कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भिंग गत दिवस पूर्व विधायक एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री के कोरोना टेस्ट के बावजूद सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की जाने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हुआ हो तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार की कमियों के कारण ही प्रदेश में कोरोना बीमारी बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आदमी को अपने ऊपर शक हो जाए और जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हुआ हो उनको अपने घर में रहना चाहिए, और अगर वो घूमे हैं तो मुझे लग रहा है उनको अवॉइड करना चाहिए था। इस सरकार में ये सरकार जो है कोरोना के प्रति सीरियस मुझे दिखती नहीं है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि सरकार की कुछ कमियों के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में, अदरवाइज हिमाचल आज कोरोना फ्री होता, कुछ सरकार की लीकेज रही है, कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश भी कोरोना को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार के द्वारा मांगे गए सुझावों पर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार को नियमों में सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से लोगों को दिक्कतें हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो लोगों को रोजगार के लिए लाले पड़ेंगे, इसलिए सरकार को लॉकडाउन के बजाय कानून को सख्ती से पालन करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को नियमों में सख्ती करनी चाहिए, और लॉकडाउन पहले भी 2 महीने लॉकडाउन रहा है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार की इकोनॉमिकली सेहत जो है वो कमज़ोर हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कमज़ोर हो गई है। सरकार को लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सख्ती से कदम उठाने चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन करने वाली स्थिति लगती नहीं है। कारण ये है कि अगर बार बार लॉकडाउन करेंगे तो लोगों की एक तो रोज़गार जो है, लोग रोज़गार को लेकर परेशान हैं, लोगों को आमदन का कोई साधन नहीं रहा है, लोगों की रोजी रोटी पे आन पड़ी है, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, इसलिए सरकार को कुछ नियमों के तहत लोगों को और ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए, और लोग इसको अवॉइड करें, लोग इसका पालन करें, ताकि ये कोरोना जो और ना फैले।